बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं प्रीति और मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का हलवा। आई होप कि आपको पसंद आए, अच्छा लगे। तो चलिए बनाते हैं सूजी का हलवा। हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी सूजी, एक कटोरी चीनी। जितनी सूजी उतनी चीनी लें। कुछ ड्राई फ्रूट्स ना लेना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और दो बड़े चम्मच देसी घी। पहले गैस में हम कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई थोड़ा गर्म होने देंगे। कढ़ाई थोड़ा गर्म हो गई है तो अब इसमें डालेंगे हम दो बड़े चम्मच देसी घी। दो बड़े चम्मच देसी घी हमने डाल दिया है। अब इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। अब घी गर्म हो चुका है तो अब इसमें डालेंगे हम एक कटोरी सूजी और इसको भूनेंगे धीरे धीरे। गैस की आंच थोड़ा मीडियम रखेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। और जब तक हम इसको भून रहे हैं तब तक हमें चाहिए पानी। जितनी कटोरी सूजी उसका 4 गुना पानी हम लेंगे और गैस की दूसरी तरफ इसको हम रखेंगे। 4 गुना पानी है, इसको गर्म होने देंगे, अच्छे से बॉयल हो जाने देंगे। तब तक हम इधर अपना सूजी देख लेंगे और जो चीनी है उसको हम पानी में मिला देंगे, एक कटोरी चीनी, और इसको बॉयल होने देंगे। तब तक बीच बीच में हम अपना जो है सूजी भी चलाते रहेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। हमारा पानी भी उबल रहा है। इससे ये होता है कि जो हम ठंडा पानी डाल देते हैं उसे लम्स पड़ जाते हैं, वो नहीं पड़ते। आप आराम से इसको बना सकते हैं बहुत ही इजीली। ये देखिए हमारी सूजी गोल्डन ब्राउन हो गई है। बस 2 मिनट और। ये हो गई है हमारी गोल्डन ब्राउन। अब बस देख लेते हैं, हमारा पानी भी देखिए बॉयल हो गया अच्छे से। अब हम इस कढ़ाई में बॉयल पानी डालेंगे। बस ध्यान रखिएगा कि पानी थोड़ा धीरे धीरे डालिएगा और गैस की आंच थोड़ा स्लो कर दीजिए बिल्कुल, और बहुत ही धीरे धीरे इसको डालिएगा पानी। एक साथ मत डालिएगा पानी, इस तरह से धीरे धीरे हम पानी डालेंगे। इसको चलाते रहेंगे, इसको बहुत तेज़ तेज़ चलाने की ज़रूरत नहीं है, इसको आराम से धीरे धीरे चलाइए आप। और इसको तब तक चलाते रहेंगे जब तक कढ़ाई घी ना छोड़ दे। बस इसको चलाते रहिए। ये देखिए इसका घी ऊपर आ गया है। ये देखिए कढ़ाई ने घी छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स और थोड़े ड्राई फ्रूट्स हमने गार्निश के लिए रख दिए हैं। ड्राई फ्रूट डाल के हम इसको एक बार फिर चला देंगे और हमारा हलवा तैयार है, सूजी का हलवा। अब इसकी हम प्लेटिंग करेंगे।
तो प्लीज़ बताइएगा आपको हमारा ये हलवा कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।